हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय शॉर्ट व्लॉग। आज हम जा रहे हैं मनाली, वो भी नाइट राइड पे। तो भाई आगे का जो आप नज़ारा देख रहे हो, अभी कुल्लू का देख रहे हो, हम ऑन द वे हैं, अभी मनाली ही जा रहे हैं। तो नज़ारा आप देखोगे तो बहुत बहुत सुंदर नज़ारा है इसका। व्यू आप चेक करोगे तो यार चारों तरफ इतनी सुंदर रोशनी लग रही थी ना, नाइट में जो घूमने का मज़ा है शायद ही वो दिन में मिलेगा, क्योंकि नाइट में घूमने की जो अलग ही वाइब होती है। सो फाइनली हम मनाली पहुंच गए थे, हम लोगों ने एक रूम लिया। उसके बाद हमने मम्मी पापा को पूछा घूमने के लिए, बट उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो हम दोनों निकल पड़े। उसके बाद चलते चलते हमें ये ऑमलेट वाले अंकल दिख गए तो हम भी रुक गए ऑमलेट खाने के लिए। फिर मैंने आशा को दिखाया तो ये ऐसे ऐसे मुंह बना रहा था, सच में बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। उसके बाद आशा ने बदला निकालना चाहा बट मैंने कोई मुँह नहीं बनाया। तो उसके बाद मैंने देखा यार कितने क्यूट क्यूट पर्स थे, इतने क्यूट पर्स थे भाई, मन तो कर रहा था ले लूँ बट फिर बच्चों वाली फीलिंग आती। तो उसके बाद हमने छोड़ा और फोकस किया अपने खाने पे। उसके बाद हमें मिले ये गोलगप्पे वाले भैया, जिसके गोलगप्पे इतने अच्छे थे नहीं, क्योंकि विंटर में ना गोलगप्पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। फिर हम निकल पड़े एक नाइट वॉक के लिए, माल रोड का वॉक करने। आशा को दिखी चाय, फटाफट भागे और चाय ले ली, क्योंकि चाय ने बहुत ज़्यादा पसंद है। फाइनली टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था तो हमने सोचा हम निकल पड़ते हैं अपने रूम की तरफ, तो हम चल पड़े अपने रूम की तरफ। फिर मैंने देखा यार इतना सस्ती सस्ती चीज़ें मिल रही थी, 200-300 इतना सस्ता मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं सरोजनी में घूम रही हूँ, क्योंकि विंटर जाने वाला है इसीलिए इन लोगों ने सेल लगा दी है। पहले लगाते तो अच्छा होता ना। चलो कोई ना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।